व्यूअर्स, वेलकम बैक ऑन माय चैनल। डियर व्यूअर्स, ये सऊदी गजट जो कि 28 सितंबर 2020 को शेयर हुआ, मेरे एक व्यूअर्स के सवाल के मुताबिक मैं उनको जवाब देने जा रहा हूं। तो क्या सर, हम सऊदी अरब में कोई टोबैको भेज सकते हैं, मेन सिगरेट, सिगार या शीशा भेज सकते हैं? उनकी टर्म एंड कंडीशन और कस्टम की सूरत हाल क्या है? तो व्यूअर्स, इसी हुकूमत ने जो कि बादशाहत का जो मौजूदा दौर चल रहा है, इसमें शहजादा सलमान ने बहुत सारी चीज़ों की इजाज़त दे दी है जो कि पहले सऊदी अरब में इजाज़त नहीं थी। तो 2020 के इस गजट में बहुत सी डिटेल्स और टर्म एंड कंडीशन को वजाहत के साथ बयान किया गया है, और इसको मैं आपके सामने डिटेल से रखने जा रहा हूँ। विवाद यहाँ पे सऊदी अरेबिया जो कस्टम हैज़ बीन इंट्रोड्यूस्ड ए न्यू मैकेनिज्म फॉर रेगुलेट प्रोसीजर ऑफ इम्पोर्टिंग टोबैको प्रोडक्ट बाय द इंडिविजुअल इम्पोर्टर इंक्लूड द रेगुलेट फॉर द इम्पोर्ट टोबैको प्रोडक्ट अदर देयर द टोबैको बैग्स बाय द पार्सल कस्टम्स इशूड ए सर्कुलर टू ऑल एटम ऑल इट्स लैंड एयर एंड सी पोर्टिंग पोर्ट्स द साइटिंग डिटेल द न्यू मैकेनिज्म। व्यूअर्स, मेरे बहुत सारे जो व्यूअर्स हैं वो ज़्यादातर उर्दू लैंग्वेज को समझते हैं, इंडिया से बांग्लादेश या दूसरे कुछ ऐसे ममालिक हैं जहाँ पे उर्दू समझी और बोली जाती है, तो मेरी व्यूअरशिप चूँकि वहीं से है तो मैं इसको ट्रांसलेट आपको करके तमाम चीज़ें उर्दू में ही बताने जा रहा हूँ। तो व्यूअर्स, हम इसे करते हैं मिनिमाइज, और यहाँ पे मिनिमाइज करने के बाद हम जो है ना इसको ट्रांसलेट करते हैं। तो इस वक्त सऊदी गजट रिपोर्ट को हम ट्रांसलेट कर चुके हैं, और सऊदी कस्टम्स इनफरादी दरामद कुनंदगान के जरिए टोबैको यानी तंबाकू के मसनूआत के दरामद के तरीकाकार को मुनज्जम यानी कि करा दिया, नया तरीकाकार मुतारफ करवाया है। इनमें टोबैको की मसनूआत के सामान में पार्सल के जरिए भेजने यानी दरामद करने के ज़वाबित शामिल हैं। कस्टम के नया तरीकाकार की तफसीलात का हवाला देते हुए ज़मीनी, फजाई या समुद्री बंदरगाहों के रास्ते से अगर मंगवाते हैं तो इनके मैकेनिज्म के मुताबिक इनफरादी तौर पर यानी कि आप यानी कि फर्द वाहिद एक जो शख्स है वो अपने साथ कितनी चीज़ें कार्गो ट्रांसपोर्टेशन सामान के साथ पार्सल लेकर जा सकता है, मंगवा सकता है। तो हर अफराद हर फर्द जो 3 माह बाद 2400 सिगरेट और 125 सिगार, 2 किलो शीशा मसनूआत या इसके मुसावी जो टोबैको मसनूआत हैं कि खेप अपने साथ यानी कि सऊदी अरब मंगवा सकता है, पार्सल मंगवा सकता है। दर आमद, ये फारसी का लफ्ज़ है, दर मतलब में आमद यानी कि किस चीज़ की यानी कि इनकम को कहते हैं, यानी कि उसी चीज़ को मंगवा सकते हैं। दर आमद यानी कि मुल्क में मंगवा सकते हैं जहाँ यानी मीन्स सऊदी अरब में आप अगर रिहाइश पजीर हों। इन मकदारों पर वाजिबुल अदा जो कस्टम ड्यूटी और टैक्स दरामद पर जमा किए जाएंगे वो उनके जो सिलेक्टिव टैक्स टैक्सेस हैं उनमें 100% टैक्सेस हैं जो आपको पे करना पड़ेंगे, और उसके साथ साथ 15% वैल्यू एडेड टैक्सेस भी आपको शामिल होंगे। और इसके अलावा इस मैकेनिज्म में यह भी कहा गया है कि इनफरादी तौर पर ऐसी मकदार ले जा सकते हैं जो 200 सिगरेट या 500 ग्राम टोबैको की मकदार से ज्यादा ना हो, इसे ड्यूटी और टैक्स से मुस्तस्ना करार दिया जाएगा। अगर मकदार इससे ज्यादा होगी तो पूरी मकदार पर यानी कि आपको टैक्सेस अदा करना पड़ेंगे जो 3 माह के लिए ज्यादा से ज्यादा 2400 सिगरेट और 125 सिगार और दूसरी 2 किलो मकदार को यानी कि इजाजत है पर टैक्स वाजिबल अदा हो जाएंगे। यानी कि अगर आप 3 माह से पहले 200 सिगरेट की जो मकदार है वो फ्री ले जाने की है और 500 ग्राम टोबैको या 2 किलो है जो मुस्तस्ना करार दिया गया जिसे टैक्स से बरेल जिमा करार दिया गया, अगर इससे आपको थोड़ा ज्यादा बढ़ा देते हैं ये मकदार तो आपको कुल ड्यूटीज और 1500 रुपये वीएटी आपको तमाम टैक्सेस के साथ पे करना पड़ेगा, आपको कोई भी टैक्सेस की मद में छूट नहीं होगी। तो कुल मिलाकर मैं आपसे ये अपने चैनल के तवसुत से रिक्वेस्ट करूंगा कि टोबैको एक बुरी चीज़ है, आप इससे बचें। अगर आप लेकर जाना चाहते हैं तो इसके लिए टर्म एंड कंडीशन जो आपके सामने मैंने रख दी हैं आप लेकर जा सकते हैं। तो भी वर्ष 15% इनकी अलग ड्यूटीज कस्टम ड्यूटीज के अलावा इनकी कुल टोटल मकदार पर 100% अलग से एक ड्यूटीज है, टैक्सेस हैं, वो भी आपको साथ में पे करना पड़ेंगे। बहरहाल भेजने की इजाज़त है, 18 साल से कम उम्र अफराद इसमें यानी कि पार्टिसिपेट नहीं कर सकते, पार्सल नहीं मंगवा सकते और ना ही इसके रिलीफ में शामिल है और ना ही उनको इजाज़त है। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। न्यूज़
हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि इससे हमारी हौसला अफजाई भी हो और इस तरह के फ्री ऑफ कास्ट वीडियोज आपको मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। ओके।